आज हम देखेंगे और एक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जिसमें कोई भी 3 डिजिट नंबर को दूसरे 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट नंबर है 3 × 3, यानी 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 रोज और 3 कॉलम बनाना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब इधर लिखना पड़ेगा पहले 3, 4, 9, फिर यहाँ क्या लिखे अपन 7, 5, 8। अब करना क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन लिखना है, 7 × 3 = 21, 2 इधर लिखेंगे 1 इधर लिखेंगे, 5 × 3 = 15, 1 इधर लिखेंगे 5 इधर लिखेंगे, 8 × 3 = 24, 2 इधर लिखेंगे 4 इधर लिखेंगे। अब नीचे मल्टीप्लीकेशन करना है, 7 × 4 = 28, 2 इधर लिखेंगे 8 इधर लिखेंगे, 4 × 5 = 20, 2 इधर लिखेंगे 0 इधर लिखेंगे, और 4 × 8 = 32, 3 इधर लिखेंगे 2 इधर लिखेंगे। सेम हियर 9 × 7 = 63, 6 इधर 3 इधर, 9 × 5 = 45, 4 इधर 5 इधर, और 8 × 9 = 72, 7 इधर और 2। अब हम लोग को क्या करने का है, ये लाइन देखने का है, तो यहां पे 2 एजिट्स लिखेंगे। अब ये लाइन में क्या करना है, ऐड करने का है, 5 + 7 12 होगा, 12 + 2 कितना होगा 14, 14 का क्या लिखे हम लोग ने, 4 इधर लिखे है ना, और कैरी 1 क्या कर दिए, +1 इधर कर दिए। अब ये कितना होगा, 4 + 7, 7 + 7 = 14, और 1 = 15, 15 का हम लोग ने 5 लिखे, कैरी 1 ऊपर कर दिए। अब ये जो रो है इसको करना पड़ेगा, अब 8 + 2 कितना होगा 10 + 16, 16 हो गया 21 हो गया, 21 और 2 कितना 23 + 24, 24 का अपने 4 इधर लिखे और 2 इधर कैरी कर दिए +2, ये क्या हो गया 2 × 2 = 4, 2 + 2 = 4, 5, 6, 6 इधर और ये 2 इधर, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।